तो अब हम करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, हम अब एक बाउंड्री ले लेते हैं, यहाँ पे दो मीडियम होंगे, तो ये बाउंड्री है, यहाँ पे नीचे वाटर है, ये हो गया वाटर और यहाँ पे होगी एयर। तो जो मैंने पहले आपको कंसेप्ट बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो N1 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो V1 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो V2 है। ये चीज़ें हमने अज्यूम कर ली। अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता था, वो सेम मीडियम में रहती थी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर रे। अब यहाँ पे जो रे है वो अपना मीडियम चेंज करेगी, तो मान लो यहाँ पे कोई रे आती है, रे ऑफ लाइट, तो यहाँ पे वो स्ट्राइक करेगी। अब हम पहले की तरह यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, नीचे तक एक्सटेंड करते हैं दूसरे मीडियम में भी। तो अब हमें ये पता है कि जो एंगल यहाँ पे बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पे हम इसको θ1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्नेल्स लॉ जो है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। तो स्नेल्स जो लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है N1 साइन θ1 इज इक्वल टू N2 साइन θ2। अब θ1 तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट जो नॉर्मल के साथ बना रहा है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है कि जब वो मीडियम चेंज करेगा तो वो क्या करेगा, वो एंगल इक्वली बनाएगा, वो कुछ एंगल में चेंज करेगा। अगर तो वो लेस डेंसर मीडियम से हाई डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो जो रे है वो टूवर्ड नॉर्मल जो है वो डेविएट करेगी, कि नॉर्मल की तरफ ज़्यादा आ जाएगी। तो ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, तो हम इसको θ2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही रे पानी में से, ये रे हवा में जा रही होती, तो वो डाइवर्ट करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे जो ये एंगल है ये बड़ा होगा, बिग होगा इसके कंपेरिजन। ठीक है, अब हमने θ1 और θ2 ले लिया, तो हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब ये स्नेल्स लॉ को हम आगे देखते हैं क्या है। अब साइन θ1 बटा साइन θ2 इज इक्वल टू N2 बटा N1। देखिए, N1 और N2, जैसे जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है और पानी का 1.33 होता है, तो इसका मतलब साइन θ1 और साइन θ2 की जो रेशियो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए, अगर यहाँ पे भी एंगल चेंज होता रहता है तो यहाँ पे भी एंगल चेंज होता रहेगा, उन दोनों की जो साइन रेशियो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो यह है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, अगर वो लेस डेंसर मीडियम से हाई डेंसर मीडियम में आ रहा है तो रिफ्रैक्टर रे जो होगी वो टूवर्ड नॉर्मल डाइवर्ट करेगी। अगर वो डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में जा रहा है तो वो क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डाइवर्ट करेगी। तो ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने होंगे। तो हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये NCERT में दिया होता है कि आप एक पानी का टब ले लो, उसको खाली छोड़ दो, वहाँ पे एक कॉइन रख दो, और यहाँ पे आपने एक फ्रेंड को खड़ा कर दो और उसको बोलो कि आपको कॉइन देखना है। तब तक वो अपोजिट साइड में मूव करता रहेगा जब तक उसको कॉइन दिखना बंद ना हो जाए। तो देखिए, कॉइन दिखना किस कंडीशन में बंद होगा, मान लो ये टॉप सरफेस है इसका, तो ये टॉप सरफेस यहाँ पे टकरा जाएगा जो कि ओपेक सरफेस है, तो इस आदमी तक लाइट नहीं पहुँचेगी, तो उसको दिखेगा नहीं। अब आप एक फ्रेंड को बोलो यहाँ पे, जो इसमें पानी डालना स्टार्ट करेगा। देखिए, पानी इसमें डाल देते हैं, हमने इस पूरे बॉक्स को पानी से भर दिया। अब इससे क्या होगा, अब जो लाइट रे है वो हायर डेंसर मीडियम से लोअर डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी कि पानी में से एयर की तरफ जा रही है। तो ये क्या करेगी, ये करेगी डाइवर्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये मान लो हमारा सरफेस है। अब देखिए, यहाँ पे कोई जो लाइट है यहाँ पे जाती है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, जो पहले हमने ड्रा करा था। अब ये लाइट यहाँ पे इधर साइड ना जाके, जो स्ट्रेट लाइन है इसमें ना जाके, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो डाइवर्ट करेगी, तो आपके फ्रेंड को ये कॉइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट आपके फ्रेंड को कॉइन यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, तो आपके फ्रेंड को ये कॉइन ऊपर दिखेगा, तो उनको लगेगा कि जो कॉइन है वो ऊपर आ गया है, सतह से ऊपर आ गया है। या दूसरी लैंग्वेज में आपके बोल सकते हो कि उसकी जो डेप्थ है वो कम हो गई है, कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा सतह से। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो देखिए, जो मैंने पहले बोला था कि अगर हायर डेंसर मीडियम से लोअर डेंसर मीडियम में जाता है तो जो रिफ्रैक्टर रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है डाइवर्ट करेगी। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पर अप्लाई होता है,
जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, आपका जो ओवल शेप में सन दिखता है मॉर्निंग और इवनिंग में, वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे है। तो होप अभी आपको पता चल गया होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। वो तो अब हमारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम सीख सकते हैं जो हमारे प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, जहाँ हमारे कनकेव कन्वेक्स लेंस है।